दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सदर कैमरा मार्केट में और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ब्लॉगिंग के सामान यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या चीजें मौजूद है, तो वो भी देख लेते हैं। तो आइए मिलते हैं। कैसे हैं विराग? ठीक है। अच्छा विराग भाई, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कैमरा अवेलेबल है, माइक पावर है, क्या चीजें आपके पास? सब मिल जाएगा यहाँ पे, DSLR से लेकर मिररलेस के भी नया दौर शुरू हो गया। अच्छा विराग, मुझे ब्लॉगिंग के लिए कौन सा आपके पास कोई बेस्ट सेटअप कौन सा है आपके पास? दिखाइए कौन सा कैमरा आपके पास है ब्लॉगिंग के लिए। ट्राइपॉड दिखाइए जो मतलब लेटेस्ट कोई हो, मतलब ये तो थोड़ा सा ओल्ड हो चुके हैं, आपके पास लेटेस्ट भी है इसके अलावा? नहीं आज ये चल रहा है, इनके अलावा अभी कोई लेटेस्ट चीज आई नहीं। ये ब्लॉगिंग के कैमरा लग गया, ठीक है, और माइक लगा दिया एक एक्स्ट्रा में। अच्छा वो गिम्बल वगैरह भी आपके पास मौजूद है? गिम्बल की वैरायटी सामने, गिम्बल का दिखाएंगे, गिम्बल जितने भी है ना, जितने सारे आईफोन 13 Pro Max जो आया था, भारी फोन है उसमें, और इसमें सेंसर दिया हुआ है वायरलेस का मैग्नेटिक, जिसमें आगे चिपक जाएगा। और भाई ऑटो है, ये मैनुअल नहीं है, इसको आप बटन पुश करेंगे इसका और उसका ऑफ एंड ऑन का, तो ये ऑटोमेटिकली खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ये DJI का Osmo 3 है कॉम्बो, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है ये। अच्छा इसकी 13,000 बताया आपने? 13,500 ठीक है, 13,500 ठीक है। ये DJI का Osmo 3 है, ये आपको पड़ेगा 20,000 रुपये का। अच्छा, ये सादा ये आईफोन के लिए नहीं है, नॉर्मल फोनों के लिए, तो ये स्पेशल किसी भी सारे मोबाइल के लिए, मगर टोटली आईफोन पे थोड़ा सा इस पे ब्रांडेड किया गया है, कि आईफोन थोड़ा भारी होता है ना, तो हर गिम्बल्स को अटैच नहीं हो पाता, मुश्किल होता है कभी वो भारी फोन होता है तो ढह जाता है। ठीक है। अच्छा इसके क्या प्राइस है? 20,000। ये मिनी मैक्स है, ये मिनी मैक्स 2 है, इसका ऊपर का मॉडल बाद का मॉडल है, ये आईफोन के लिए नहीं है, वो सादा है, इसमें बड़े बड़े फोन भारी फोन नहीं है, स्टेबल रहते हैं, मतलब ये स्टेबल है। इसके क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 11,000 रुपये। अच्छा डिस्काउंट रेटेड सारे डिस्काउंट रेटेड है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का कोई भी आएगा डिस्काउंट हो जाएगा। और ये Xeon कंपनी है, इसका स्मूथ Q2 है, ये भी एक गिम्बल है, मगर ये थोड़ा छोटा साइज के लिए बनाया गया उन्होंने गिम्बल, ये पॉकेट टिक तरीके कहते हैं इसको गिम्बल। अच्छा ये इसके क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 12,500 का। 12,500। अच्छा ये DJI का बिल्कुल नया मॉडल आया है Osmo 5, ये सेल्फी स्टिक टू गिम्बल बहुत है इसमें, सेल्फी स्टिक की तरह स्टिक की तरह ये सेल्फी स्टिक की तरह बन जाएगा, और ये पॉकेट की तरह बिल्कुल स्मूथ पॉकेट होता है, देखें पीछे, ठीक है, ये सेल्फी बन जाएगा और ये गिम्बल के तौर पर भी सामान हो जाएगा, पॉकेट पॉकेट में क्या कहीं मिलेगा फिर होता है। ये 31,000 रुपये का, 31,000 जी। अच्छा ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये DJI कंपनी का। अच्छा ये भी Xeon कंपनी का अलग, ये क्यू की सीरीज है, ये स्मूथ की सीरीज है, ये स्मूथ 4 है, ये थोड़ा हैवी गिम्बल है, ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो उसे क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 14,500। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया जी, ये DJI कंपनी है। अच्छा DJI, ओके। और ये मोजा, ये सबसे सस्ता गिम्बल यही खिलाया जाता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 8,500 रुपए का, 8,500 का। अच्छा ये सब लो प्राइस से क्या है? तो इसमें इतने लो प्राइस में इसकी क्या मतलब, कंफर्ट नहीं है ये 180 डिग्री, ये 360 नहीं है, ठीक है। और ये स्मूथ क्यूटी Q2 दिखा दे, Q3 है, इसमें बिल्ट इन फ्लैश दे दिए इन्होंने फ्रंट पे, और ये भी आईफोन के सारे आईफोन मॉडल आराम से, मतलब नॉर्मल सेल फोन यूज कर सकते हैं इसके साथ, जी जी, सारे नॉर्मल फोन पड़ेगा, मगर एक आईफोन जो बनाया ना, तो भारी फोन बनाया गया 13 Pro Max, वो हर गिम्बल नहीं उठा सकता, ठीक है, और गिम्बल बिल्कुल मोटर होती है इसके अंदर, तो मोटर की स्टेबिलाईजेशन वाली मोटर है, और उसके आपको पड़ेगा 15,500। अच्छा और माइक भी दिखा रही है फिलहाल, ये माइक की सारी वैरायटी लगी है, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन रखता है, ये आता मोबाइल का बोया M1 Pro, अभी आ गया नया M1 की जगह M1 Pro आ गया, M1 भी आ रहा है, M1 भी आ रहा है, ठीक है, M1 भी आ रहा है, उसका M1 Pro आ गया, इसमें हेडफोन जैक का ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया, इसमें दिखाए भी जा रहा है। अच्छा इसे क्या प्राइस है? तो कोई 2500 रुपये, ये ओरिजिनल बोया, ये सिंगल है, ड्यूल है, सिंगल है,
इतना आप अपनी आवाज़ खुद भी सुन सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अपने माइक से, तो आप हेडफोन लगा के अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रो कर दीजिए जी। और ये टाइप सी के लिए फ़ोन है, जिनके पास हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं होता, क्या करें, टाइप सी वाला इसमें निकाल दिया वो, और इसका मॉडल नंबर बोया M3 है। ये M2 आईफोन के लिए, आईफोन में जैक आते नहीं है यूजली हेडफोन का, तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने इसमें वो दे दिया। आईफोन के लिए ठीक है। अच्छा मुझे और अपना वायरलेस भी दिखाएगा थोड़ा सा, माइक तो ये करा जाता है कैमरे के ऊपर लग जाता है, आप कुछ चेक के बोलने में कैच करता है वैसा, तो मतलब सही है इसमें वो M1 में प्लस नॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं, नॉइस ये सब बाहर के इशू नहीं है, ये बिल्कुल ये आपकी वॉइस कैच करता है। और ये M1 प्लस है, ये M1 दिखाया आपको, ये M1 इसमें हेडफोन का ऑप्शन दिया हुआ है, वही आपने बहुत आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये देखो वो का ये दिखाई है, ये WM6 से वायरलेस माइक है, कॉर्डलेस माइक कहा जाता है इसको, वायरलेस माइक है ये, इसमें एक एक डिस्टेंस वाला होता है ना, डिस्टेंस में अगर कोई दूर खड़ा होकर बात करे आराम से, ये बोया कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छे का 10-15 फीट तक आराम से काम करते हैं। एक तो मैंने देखा है उसकी 200 मीटर तक उसकी डिस्टेंस थी। इसे क्या प्राइस है भाई का? ये 17,500 का, ये WM6 ये सिंगल है ना, ड्यूल नहीं, एक रिसीवर एक माइक सिंगल है, सिंगल पर्सन के लिए ना, ड्यूल में ड्यूल में भी है, आपके पास ड्यूल वाला भी है नहीं, शॉर्ट है तो ये इसी का K2 आता है ड्यूल में, ये WM8 Pro K1 है, K2 होता है वो ड्यूल होता है, इसमें एक रिसीवर होगा, दो माइक होंगे। अच्छा उसका क्या ड्यूल में कितने क्या प्राइस है? 22,000 रुपये का, 22,000 जी। ये अगर सिंगल वाला है इसका अपर मॉडल, इसका K1 है, K2 20,000 रुपये। ठीक है ओके ठीक है फिलहाल। तो ये कौन सा माइक है? ये एंड माइक करते हैं जैसे ना इसमें लगते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए होते हैं ना, जिसमें टैग बैग में लगाते हैं नाद पढ़ने के लिए उनके, जैसे हम बाहर इसको ब्लॉगिंग के लिए, जैसे बाहर मार्केट्स वगैरह में ब्लॉगिंग के लिए काम नहीं आता है, ये उनके लिए काम आता है, जहाँ डैग चलाते हैं ना, तो डैग बैग में जो नाते पढ़ लेते हैं या किसी न्यूज में होता है, ये बड़े बड़े जैसे ब्लॉगिंग के लिए मार्केट वगैरह में, जैसे हम कुछ लगा के मोनोग्राम लगा के उसके साथ अटैच करके लगाए, वो माइक भी है, ये भी वो ये इन्हीं के लिए काम आते हैं वाला माइक। और एक माइक न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए जैसे यूज किया है, दिखा देता हूं ये वाला माइक होता है, ये वाला जो आप ब्लॉगिंग के लिए कह रहे हैं ये। अच्छा नॉर्मल माइक है, थोड़ा क्वालिटी इसकी बेहतर लग रही है। क्या प्राइस है इसके? ये पड़ेगा 3,000 रुपये, ये ओरिजिनल माइक है, कार्ड होगा, कार्ड होगा, वायर अटैच करना पड़ेगा जी, बड़ी वायर होती है ये दिखाई बोया था, ये दिखा देगा। ये सिंगल है या ड्यूल में? ये सिंगल, ड्यूल में भी आ रहा है इसमें? नहीं सिंगल ही आ रहा है, ये आईफोन के लिए बनाया है, आईफोन तो नहीं कह सकते, इसको तीन इसे तीन ऑप्शन है, आईफोन है एक वो एंड्रॉयड फोन के लिए, और एक इसके लिए माल कैमरों के लिए, और एक इसमें रिसीवर एक माइक है, और इसके अंदर ये चार्ज करने की इसकी वो भी दी हुई है, बॉक्स दिया हुआ भी है। इसे क्या प्राइस है बोया का? ये 16,500 का, 16,500 ठीक है। अच्छा ये भाई दिखाई, ये सिंगल है ड्यूल है? ये ड्यूल है, एक भी खराब हुआ ना तो रिपेयर खराब हो जाता, इसे क्या पड़ा? ये सिंगल है, 17,000 रुपए सिंगल। अच्छा ड्यूल में आ रहा है? ड्यूल सेम ही है, ड्यूल का A2 मॉडल है, ये A1 मॉडल है, इसका ड्यूल भी बिक गया। वो वैसे कितने उसे क्या प्राइस है? उसके प्राइस फाइनल आखिर में थे 24,000 रुपए फाइनल वो देते हैं, लास्ट प्राइस इज 24,000 रुपए। ठीक है। अच्छा और देखिए बाकी, एक ये भी एक मोबाइल का आईफोन वाला माइक है कंपनी का, एक रिसीवर एक माइक एक और कनेक्टर है सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए तो देखिए लगा होगा। ऐसे क्या प्राइस है? ये पड़ेगा आपको 14,500। ट्राइपॉड जो है इसके लिए स्टिल के यूज़ करना चाहिए अपने रिकॉर्डिंग के लिए या फिर न्यूज़ वगैरह के लिए, सबसे अच्छा ट्राइपॉड है ये हमारी अपनी कंपनी, हमारा कंपनी ये 2-in-1 ट्राइपॉड है, ये मोनोपॉड ही बन जाएगा, ट्राइपॉड ही बन जाएगा,
थिकनेस की स्टिक माल आ जाएगी, एक तरह मोनोपॉड का। अच्छा ठीक है, तो मतलब कि दोनों ट्राइपॉड का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोनोपॉड भी काम आएगा, ट्राइपॉड भी काम आएगा। ठीक है, मोबाइल लगा के लिए आप होल्डर ले लेंगे तो मोबाइल टेस्ट कर लेंगे, नॉर्मल होल्डर इसमें यूज कर सकते हैं। इसे क्या प्राइस है? 3000 का। इससे भी हैवी वाले भी, इसकी क्वालिटी वाइज वो भी क्वालिटी वाइज इससे अच्छी अच्छी थोड़ी बेहतर होगी, मगर 19-20 तो है ही। वो भी दिखा दीजिए। ये टू इन वन, इसे क्या प्राइस है? ये 4000। ठीक है। अच्छा, और ट्राइपॉड के, तो ट्राइपॉड के अलावा कुछ और दिखाइएगा, कैमरा वगैरह जैसे हम व्लॉगिंग कैमरा यूज कर रहे हो तो वो भी कैमरा भी आपके पास व्लॉगिंग के लिए? व्लॉगिंग के लिए सबसे ये कैमरा कामयाब अगर स्क्रीन रोटेट की जाए, अपने आपको जज कर लेकिन सही देखना नहीं कर रहा ज़्यादा व्लॉगिंग में। ये वाले कैमरे का बैटरी बैकअप वगैरह बताइए सर। 2 घंटे इनकी बैटरी चलती है आराम से। और सर प्राइस क्या है? ये 5200 है, ये आपको पड़ेगा 40,000 रुपये का। अच्छा, फिर इसका 5300 आता है। लेंस है, इसका लेंस लेंस वगैरह 1855 लेंस का किट लेंस इसके साथ ही मिलेगा। ओरिजिनल लेंस निकॉन है, ये निकॉन ओरिजिनल। अच्छा, आप और क्या देखेंगे आपके पास? लॉगिंग कैमरा का है आपको? छोटे कैमरा जो आते हैं यूज किया? ये फिर आते हैं ये गोप्रो वाला। गोप्रो ये 4 यूज में मिल जाएगा, और 9 और 10 सामने लगे ना, 9 और 10 निकालना। अच्छा, ये क्या प्राइस है? ये तो बड़ा अच्छा बोला है सर, 25,000 रुपये का 4 यूज्ड है। जी, तो न्यू कितने का है? न्यू नहीं यार, न्यू 9 और 10 मिलेगा। 9 आपको मिलेगा 70 का, 10 मिलेगा 85 का। ये 24 में मिलेगा यूज्ड में। जी, और क्या दिखाइए? ये प्रोफेशनल कौन सा? ये कंडेंसर माइक है, ये गाने गाते हैं जैसे लोग के लिए, तो ये तो जैसे रिएक्शन चाहिए टीवी के लिए उसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ वगैरह के लिए। न्यूज़ वगैरह के लिए तो नहीं पढ़ सकते आप इसके लिए, इसमें आप देख रहे लोग नहीं करते यूट्यूब पे आए लोग रोस्टिंग करनी होती है, ये उनके लिए काम आती है, इसलिए रहता है ये रखना पड़ता है। ये क्या प्राइस है? ये 7500 रुपये। जी बिलागर, एड्रेस बताइएगा। ये हकीम सेंटर सदर कराची लीगल चौक के पास, इजी कैमरा दुकान का नाम है, और शॉप नंबर है 0335372291, और दूसरा नंबर है 3302875108। व्हाट्सएप नंबर दोनों नंबर वो वाला पहला नंबर ना दूसरा नंबर आप। ठीक है बिलागर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।